देशभक्तों से ही देश किसान है, देशभक्तों से ही देश किसान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर के रिलायंस डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की गिरधरपुर शाखा में छात्र छात्राओं ने रिहर्सल करते हुए भारत देश की आन बान शान के प्रतीक और हम सब की आज़ादी और स्वाभिमान के प्रतीक गणतंत्र दिवस की तैयारियां की। और इस अवसर पर टीम समाचार कैरी मौजूद रही, जिसमें छात्र छात्राओं ने भाषण, कविता और सॉन्ग्स के माध्यम से गणतंत्र दिवस को मनाने का संकल्प लिया। और इस अवसर पर रिलायंस डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के निदेशक सुखवीर सिंह जाखड़, चेयरपर्सन नीलम जाखड़, प्रधानाचार्य डॉक्टर जय भगवान शर्मा, सीईओ नरेंद्र जाखड़ भी उपस्थित रहे। वीडियो में आप देख सकते हैं तमाम वो छात्र छात्राएं जो गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भाग लेंगे, उन्होंने अपनी प्रतिभागिता दर्ज कराते हुए अपनी अपनी जो कविता या भाषण जो तैयार किए थे उनकी प्रस्तुति दी। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी हमें बोलने की आज़ादी मिली थी। जो हम आज यहाँ बैठे हैं, ये हमारा संविधान हमें इस बात की आज्ञा देता है, इसलिए हम सभी यहाँ बैठे हैं, यहाँ उपस्थित हैं और इस खुली हवा में, इस खुली फिजा में सांस ले रहे हैं। ये सब देशभक्तों की काल तपस्या का परिणाम है। हमारा संविधान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे अनेक वीरों का बलिदान का प्रतीक है। हमारा संविधान 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था और यही संविधान आज हमारी पहचान बन गया है, यही संविधान आज हमारी पहचान बन गया है। देशभक्तों से ही देश किसान है, देशभक्तों से ही देश किसान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। प्रेम करो देश प्रेमियों, मीठे पानी में ये जहर ना तुम घोलो। जब भी कुछ बोलो ये सोच के तुम बोलो, भर जाता है गहरा घाव जो बनता है गोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो बना हो कड़वी बोली से। ओ मीठे बोल कहो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। 26 जनवरी है आई गणतंत्र की सौगात चलाई, 26 जनवरी है आई गणतंत्र की सौगात चलाई, अधिकार दिए हैं इसने अनमोल जीवन में बढ़ सके बिन विरोध। सौगातों की सौगात है गणतंत्र हमारा महान है, आकार में विशाल है हर सवाल का जवाब है, संविधान इसका संचालक है हम सबका वो पालक है, लोकतंत्र जिसकी पहचान है हम सबकी ये शान है, गणतंत्र हमारा महान है, गणतंत्र हमारा महान है। थैंक यू। Republic Day. On this day that independent India adopted the constitution in the year 1950. The draft constitution was framed and was ready by February 1948, but it was formally adopted on the date 26 January 1950. On January 26, 1930, the Indian National Congress had declared came into existence on January 26, 1950. Ever since then, January 26, every year is celebrated in Republic Day. It is a great celebration and a grand show. On this day, a special function is arranged on the road named as the Rajpath. This is the path which runs from Rashtrapati Bhavan to the India Gate. Some foreign dignitaries, the president of any friendly country, is invited to be the chief guest.
who along with the President of India receives the salute of the Army contingent, the police personnel and the NCC cadets and the school children. All the VIP and VVIP guests are seated on both sides of this pedestal. In this way, India as a unity, even in diversity, is implied, demonstrated and presented. आज आपके सामने गणतंत्रता दिवस पर एक भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ। गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है। यह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारे देश को गणतंत्रता राष्ट्र घोषित किया गया था। 26 जनवरी 1950 के दिन भारत को गणतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था और हमें बोलने और चलने की आज़ादी दे दी गई थी। जनता ने देश भर में मिठाइयाँ बांटी और खुशियाँ बांटी थी। लोग एक दूसरे को अपना हाल बताते थे और यह कहते थे कि हमारा देश गणतंत्र घोषित हो गया है। 26 जनवरी का दिन एक गौरवप्रिय दिन था और हमें यह बताया गया था कि अब से आप सभी लोग अपने देश को गणतंत्र राज्य बना पाओगे और अपनी बातों को समझ पाओगे और बोल पाओगे। जय हिंद, जय भारत। देखा पूरब में आज सुबह एक नई रोशनी फूटी थी। आज़ाद परिंदों की टोली एक नई दिशा में छूटी थी। नेताजी का था जन्मदिवस, उल्लास ने आज समाता था। सिंगापुर का कोना कोना मस्ती में भीगा जाता था। वे गोल बांध कर बैठ गई, ढोलक मंजीर बजाती थी। हीर रांझा को छोड़ आज वे गीत पठानी गाती थी। गुजराती बहनें खड़ी हुई गरबा की नई तैयारी में, मानो वसंत ही आया हो सिंगापुर की फुलवारी में। हर कंठ कंठ से शब्द यही सरम सुनाई देते हैं। सिंगापुर के नर नारी आज उल्लासित दिखाई देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 26 जनवरी कहती आकर हर बार, संघर्षों से ही मिलता है जीने का अधिकार। जी हां, आज़ादी किसे प्रिय नहीं है, पशु पक्षी से लेकर के सबको आज़ादी चाहिए और आज़ादी का यही पर्व 26 जनवरी। जी हां, 26 जनवरी की महत्ता को जानने के लिए और 26 जनवरी पर स्कूल के विद्यार्थियों से चर्चा करने के लिए मैं मौजूद हूं रिलायंस डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की गिरधरपुर शाखा में। कुछ छात्राओं से मैं बात करूंगा, जानूंगा कि 26 जनवरी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। वैसे तो 26 जनवरी एक तारीख है, लेकिन इसका एक विशेष महत्व है। राष्ट्रीय पर्व के रूप में 26 जनवरी को जाना जाता है। यस बेटे, आपका नाम क्या है? सबसे पहले तमन्ना। नाम तमन्ना। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th में। क्या है 26 जनवरी? क्योंकि जब हम गुलाम थे तो 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो इसलिए महात्मा गांधी ने ये सोचा था कि जब हमारा गणतंत्र बनेगा तो हम 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और हमारा जो संविधान था वो 24 जनवरी को ही बन गया था, इसलिए इसका महत्व इसलिए क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था, इसी डेट को गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है। चलिए तालियां बजाइए बेटिया के लिए।